नहीं करेगा। आपका नाम? आपका नाम? सौरभ माली। थोड़ा तेज बोलना। सौरभ माली भैया। तो आप यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो? सर एक महीने से आ रहा हूँ मैं, एक महीने से खा रहा हूँ भैया जी, एक रुपए नहीं लेते मुझसे। अच्छा, कैसा है स्वाद? अच्छा स्वाद। और मैं अस्पताल पे ही रहता हूँ, पढ़े आता हूँ, राम राम दुआ सलाम करते हैं। अच्छा। नमस्कार सभी को मेरा। आपका नाम? वरुण पाटीदार, मैं धार जिले से हूँ। अच्छा, ये कितने दिनों से ये विकलांग लोगों को खाना खिला? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि भैया विकलांग लोगों को फ्री में यहाँ पे सुविधा देते हैं। अच्छा। तो कोई भी भूखा आया, विकलांग लोग आए, कोई भी आया राह चलते, उन लोगों को बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से यहाँ पे इनको भोजन कराया जाता है। भोजन चाउमीन वगैरह जो भी इनके पास अवेलेबल है वो इनको विकलांग लोगों को दिया जाता है। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, प्रॉपर धार से हूँ। मेरी वाइफ की जॉब है मेडिकल कॉलेज में, वो मैं प्रॉपर यहीं सीखता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चाउमीन के ठेले पर। ये भैया हैं जो पिछले कई सालों से विकलांग लोगों को फ्री में चाउमीन और मंचूरियन खिलाते हैं। आइए जानते हैं इनको आइडिया कैसे आया कि मतलब ये फ्री में चाउमीन खिलाएं। पहले तो भैया आपका नाम? जी मनीष श्रीवास्तव। तो आपको मतलब ये कैसे आया कि मतलब विकलांग लोगों को खिलाऊं मैं खाना? जी बागेश्वर धाम की कृपा से, मैं उनके गुरुदेव हैं बागेश्वर धाम जी के भद्राचार्य जी, उन वो लोग विकलांग लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं भी कुछ दिव्यांग लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, ये मेरे मन में आया। अभी तक आप कितने लोगों को खिला चुके हैं? जी 10-12 लोग रोज़ आ जाते हैं, प्रतिदिन आते हैं, एक वर्ष हो गया मुझे। और अभी जैसे चाउमीन खिलाते, मंचूरियन खिलाते, इसके अलावा और क्या खिलाने की कोशिश करेंगे? जी वेज बिरयानी, पैटी, सैंडविच, फ्राई सब बनाते हैं, जो भी मेरे इस गाड़ी पे उपलब्ध होता है सब जो खाना चाहें वो लीज खिलाता हूँ। इसके अलावा और कोई सेवा करते हैं आप विकलांगों की? जी सर यही जल सेवा करते हैं और उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो देखा आपने पिछले कई सालों से भैया विकलांग लोगों को खाना खिला रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ न्यूज़ 18 विदिशा।